आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन। अब आप सोच रहे होंगे बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। नहीं, बैंगन की सब्जी बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, तो आज हम बनाते हैं बैंगन का भरता। मैंने लिया है 2 बैंगन, फ्रेश बढ़िया, और देखना है कि कहीं इसमें छेद तो नहीं है। और बैंगन हमेशा हल्का होना चाहिए, तभी बैंगन का भरता हमारा अच्छा बनता है। नहीं तो हार्ड रहेगा तो अंदर बीज बहुत रहती है। सबसे पहले बैंगन के बीचों बीच हम काट लेंगे। और चेक कर लेंगे बैंगन हमारा ठीक है या नहीं। बैंगन कितना सॉफ्ट है, बीज भी नहीं है। हाथ में थोड़े से 1 चम्मच सरसों का तेल इसी तरह लगाकर बैंगन में चारों तरफ हम लगा देंगे। इसे आग में हम भूनेंगे। हमने तेल इसलिए लगाया है कि इसकी छिलका अच्छी तरह निकल जाए। भूनने के बाद गैस के ऊपर एक जाली रख देंगे। जाली के ऊपर इस तरह हम बैंगन को रख देंगे। इसी तरह हम बैंगन को पकाएंगे उलट पलट कर, जिससे चारों तरफ अच्छी तरह ये पक जाए। मीडियम टू स्लो करके ही हम इसे पकाएंगे। एक साइड से बैंगन पक गया है, अब इसे हम पलट दे रहे हैं। बैंगन अच्छी तरह पक गया है, अब इसे गहरे बर्तन में हम इस तरह डाल देंगे दोनों, कि अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाए अंदर। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने लिया है 3 प्याज, 3 टमाटर, 8-9 लहसुन, 4 हरी मिर्च, ½ इंच अदरक, हरी धनिया। इन सबको मैंने काट के तैयार कर लिया है। बैंगन का भुना हुआ छिलका, इसे अब धीरे धीरे हम छील लेंगे। भुना हुआ बैंगन का छिलका अच्छी तरह साफ कर लिए हैं। अब बैंगन की पीछे वाली डंडी चाकू से हम काट देंगे। चाकू के सहारे बैंगन चेक भी करते जाएंगे और इसे हल्का सा मिला भी देंगे। अच्छा। एक पैन लेंगे या कढ़ाई ले लें। मैंने 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है, अब डालते हैं कटी हुई प्याज। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सबको मिलाकर 1 से 1.5 मिनट हम प्याज को भूनेंगे। बैंगन का भरता बनाने के लिए आप सरसों तेल का ही यूज करें। सरसों तेल से बनाने से बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनता है। प्याज हाफ गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। एक मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ढक्कन खोल के चेक करते हैं, टमाटर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च। गैस को मीडियम फ्लेम में रखकर 1 से 1.5 मिनट ढककर रख देंगे, जिससे टमाटर और भी सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट मैंने टमाटर को पकाया है। अच्छी तरह हम मिला देंगे। टमाटर पकाना जरूरी है क्योंकि इसका कच्चापन खत्म करना है। हाफ टीस्पून किचन किंग मसाला डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो अवॉइड करें। डालेंगे तो टेस्टी बनेगा। हाफ चम्मच नमक, नमक स्वादानुसार डाल लें। अब डालते हैं पका हुआ बैंगन। इन सबको अच्छी तरह अब हम मिलाएंगे। गैस को मैंने स्लो रखा है। अभी अच्छी तरह बैंगन को मिला दिए हैं। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम में कर दिया। अब 2 से 3 मिनट इसी तरह हम मिलाते जाएंगे, और जिससे बैंगन थोड़ी अच्छी तरह मिल जाए और पक जाए। इस तरह आप मिलाएंगे तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब डालते हैं हरी धनिया, इसे भी अच्छी तरह हम मिला देंगे। बैंगन का भरता बनके तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।